आ जाता था और आपके तीर्थ देखते रह जाते थे। मैंने तो विकास को बहुत नजदीक से देखा है प्रदेश के अंदर। अभी यहां पर कह रहे थे केंद्रीय शहरी मंत्री श्री कौशल किशोर जी, एक बात कह रहे थे कि पिछली सरकार के समय में 5 वर्ष में 18,000 लोगों को केवल मात्र आवास सैंक्शन हुए थे पूरे प्रदेश में। और कौशल किशोर जी, अकेले सीतापुर जनपद में आवास योजना में हम लोगों ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान 2 लाख से अधिक परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 7 लाख से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। यह है डबल इंजन की सरकार का लाभ। ये जो आवास पहले गरीब को ढूंढने से नहीं मिलते थे, ये पैसा कहां चला जाता था? शौचालय का पैसा पहले कहां चला जाता था? बिजली का पैसा कहां चला जाता था? भाइयों बहनों, मैंने तो आज तक देखा था और मैंने सुना था और पुराणों में भी, धार्मिक ग्रंथों में भी यही बात मैं मानता था, सुनता था, देखता था कि देवी लक्ष्मी दीपावली के दिन दीपोत्सव के साथ आती है, लेकिन इन पापियों ने तो दीवालों में बंद करके रखा है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाइयों बहनों, अब समझ में आया होगा कि बुआ और बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे। ये नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि प्रदेश को लूट करके इन लोगों ने अपने घरों की दीवारों में नोट को कैद करके रखे हुए थे और इनको भय था कि अगर मोदी जी इन नोटों को चलन से दूर कर देंगे तो ये लोग अपने हाथ पर पटोला रह करके घूमते रहेंगे और फिर इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। और आज दृश्य आप देख रहे होंगे, समाचार पत्रों में भी कुछ आया है, चैनल ने भी कुछ दिखाया है, सोशल मीडिया में भी आपने इनके काम को नहीं इनके इन कारनामों को देखा होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये केवल गरीब को योजनाओं से वंचित ही नहीं करते थे बल्कि गरीब को जो आज फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई